हेलो दोस्तों, आज हम अपनी गाड़ी में ये फ्रंट का शीशा डलवा रहे हैं, क्योंकि हुआ ये था कि कुछ लोगों ने हमारी इस गाड़ी में खड़ी हुई थी बाहर रोड पर, तो उसमें ये ईंट मारकर इसका शीशा तोड़ दिया और अंदर कुछ चोरी करने की कोशिश करी, लेकिन चोरी तो कर नहीं पाए वो अंदर। उन्होंने क्या करा तो ये बोनट ऊपर उठाकर और इसकी बैटरी चोरी करके ले गए। अब बताइए उनको क्या मिल गया। भाई लोग बाहर आजकल कहीं भी गाड़ी खड़ी करना सेफ नहीं है। अगर आपके पास पार्किंग की जगह है तो भाई वो बहुत है, और नहीं तो दिल्ली में तो यार आप जानते ही हो कितनी मारी मारा है भाई, पार्किंग कहीं नहीं मिलती है। और आपको इधर उधर अगर कहीं अगर जैसे कहीं रोड पे गाड़ी खड़ी करके चले गए दिन में भी, तो भी भाई वो भी कोई सेफ नहीं है। ये गाड़ी ऐसी ही खड़ी हुई थी और मैं थोड़ा सा काम करने के लिए कहीं गया और उन्होंने किसी शरारती तत्व ने ये काम कर दिया। अब इसकी ये वाइपर वगैरह रिमूव करें, हटाएं यहाँ से, तब अब ये भैया इसको इसमें से शीशे को रिमूव करेंगे, फिर नया शीशा डालेंगे। अब बताइए बैठे बैठे बिठाए एक ये अलग खर्चा हो गया, वो अलग और परेशानी अलग। अगर इमरजेंसी में कल मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना था और ये शीशा ख़राब होने की वजह से भाई इतनी परेशानी हुई, फिर मैं अपनी दोस्त की गाड़ी लेके गया। अब तुम जानते ही हो कि भाई ऐसी सिचुएशन में अब किसी और की गाड़ी लेके जाओ तो परेशानी तो होती है, जब अपने पास भी वाहन होने के बावजूद भी इतनी सारी समस्या झेलने पड़े। अब ये सब चीज़ तो भाई वो इसमें की लड़के तो कुछ समझते नहीं है, वो इसमें की होते हैं जो ये सब काम करते हैं, कोई समझदार आदमी तो ये सब काम करने से रहा, क्योंकि इसमें की उनको अपने सरोचन वगैरह दारू वगैरह के लिए कुछ चीज़ मिल जाए 150 की बिक जाए बस, वो अब बैटरी निकाल के ले गए और 100, 150, 200, 400, 500 रुपये की उन्होंने बैटरी बेच दी होगी बस, इससे ज़्यादा तो उन्होंने कुछ करा नहीं होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि ऐसे तत्वों से सावधान रहें और सेफ जगह अपनी गाड़ी को खड़ी करें। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ ये भैया कैसे है क्या है इस शीशे को रिमूव करते हैं और नया कैसा शीशा लगाते हैं। इसका मैं भी पहली बार डलवा रहा हूँ, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब दिखाता हूँ ये भैया कैसे करके इस शीशे को रिमूव करते हैं। रिमूव करने का भी एक अलग ही तरीका है, जैसे इन्होंने ये देखिए तार है, जो एक तार लोहे का ये पतला सा हल्का सा वायर है जो कि इन्होंने पूरे इसके बेडिंग में लगा दिया है। अब उसको धीरे धीरे करके ऐसे खींच खींच के चारों तरफ से इस शीशे को निकाल रहे हैं, क्योंकि इस शीशे में जो है एक गम लगाई गई होती है जिसके कारण ये शीशा आपका पेस्ट किया हुआ होता है, वो इन्होंने ऐसे करके उस गम को हटा दिया। अब ये इजीली इसको रिमूव कर दिया। ये देखिए इम्पैक्ट तो बहुत, मतलब कि ईंट से बहुत बुरी तरीके से मारा है, पर ये भाई कंपनी का शीशा ओरिजिनल होता है भाई, वो जल्दी से आपका टूटता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक हल्की सी पतली सी प्लास्टिक की पन्नी की एक परत जैसी चढ़ी होती है जिसके कारण वो शीशा ब्रेक नहीं होता है। अब ये देखिए ये छोटे छोटे कैसे कांच के पार्टिकल्स हैं, वो हमारे पूरे डैशबोर्ड और उसमें फंस गए हैं। अब ये गाड़ी मैं वॉश करवाऊंगा तब इसके बाद ये सही होगी, क्योंकि नहीं तो ये छोटे 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 जो कण हैं ये आँख में भी लग सकते हैं वैसे, और एसी में भी कहीं जा सकते हैं तो और ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। अब ये भाई इसको अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे पहले, सारे किनारे को साफ़ करके फिर नया शीशा इसमें हमारी गाड़ी में लगेगा। ये भाई भी भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं शीशे लगाने में, क्योंकि शीशे जैसी चीज़ है और मेन जो है गाड़ी की शो सबसे पहले इसी पे ही आती है। अगर जैसे अभी शीशा नहीं है, देखो कैसी गाड़ी खाली खाली सी लग रही है, बेकार सी लग रही है, मतलब कितनी भी अब आपकी महंगी गाड़ी हो या कितनी भी शो हो गाड़ी में, बिना शीशे के कुछ नहीं है। अब ये भाई इसमें शीशा लगा देते हैं और ये इसका जो पेस्ट है ये ही ब्लैक कलर का जो आपको ये पेस्ट दिख रहा है ना, ये जो लगा रही है देखो, ये जो पेस्ट है यही वो है गम जिससे ये शीशा चिपकता है। ये पूरी तरह से इसमें पेस्ट कर देंगे किनारे। ये देखिए मोटा, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे थोड़ा बहुत लगाया हो, बिल्कुल अच्छे से ये इसमें पेस्ट लगाया है जिससे कि शीशा हमारा जो है अच्छी तरह से चिपक जाए। अब ये देखो मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये कौन सा है, ये कौन सी कंपनी का आता है, ये देखो ये इस कंपनी का आता है 500 करके इसका कुछ नाम है, और ये देखो PU King 500, ये वो गम है जिसमें आपको शीशा पेस्ट करने के लिए काम आता है। इसको आप किनारे लगाओ और अपना जो शीशा है उससे आप चिपका लो। ये देखिए जो किनारे लग रहा है ना, ये किनारे जो है यही है, ये देखना आप एकदम से कैसे पूरा मोटा करके ये पूरे को निकाल देंगे। और ये देखो ये देखिए निकालते जा रहा है, लगाता जा रहा है,
पूरे में आराम से किनारे 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 लगा रहा है इसको। देखिए कितना, मतलब ये काम भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो, इसके लिए भी काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है और बारीकी का काम है क्योंकि ये, और फिर कांच का काम है, कांच का अगर थोड़ा सा भी कुछ रह जाए इधर उधर तो सेट नहीं बैठेगा ये, क्योंकि इसमें एक भी कट नहीं होना चाहिए, मतलब छोटा छोटा पार्टिकल भी ना आपका शीशा ब्रेक करवा देगा, इधर उधर हो सकता है, उससे हवा में गिर भी सकता है, इसलिए बहुत केयरफुली इसको लगाना पड़ेगा। ये हमारा जो है ये शीशा है, ये विंडो स्क्रीन है जो हमारे लगने वाली है अभी इसमें। ये देखिए ये है इसका ओरिजिनल होने की पहचान, आप इसको, इसमें बार कोड है, इसको आप इसे चेक कर सकते हो। ये देखिए ये लगा दिया इसमें, ये देखो अब ये हमारा शीशा इसमें लग चुका है और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सेट कर दिया है भैया ने, और बहुत बढ़िया अब गाड़ी जो लग रही है वो सच में ही अच्छी लग रही है भाई। देखो शीशा जो है मेन, अगर जैसे किसी बंदे की आँख नहीं हो तो उसका क्या होगा, ये शीशा एक तरह से हमारी गाड़ी की आँखें होती हैं, और उसको ये हम अगर हटा देंगे तो बिल्कुल उसमें मज़ा वाली बात नहीं रहेगी। ये देखिए अब ये पूरी तरह से इसे सेट कर रहे हैं, और सेट करने के बाद इसे टेप से जो है वो चिपका देंगे, और 2-4-5 दिन बाद बिल्कुल एकदम सही इसको हटाने के लिए इन्होंने बोला है कि ये टेप को 2-4-5 दिन बाद हटा देना, फिर हम इसको 2-4-5 दिन बाद ही हटाएंगे, तब देखते हैं शीशा कैसा लगता है। शीशा इन्होंने सेट कर दिया, ये भैया हमारे टेप लगा रहे हैं इसमें, ये दोनों तरफ टेप लगा देंगे जिससे कि शीशा इधर उधर हिले ना, क्योंकि अभी ताज़ी ताज़ी चिपकाया भाई, गम भी सूखने में एक 24 घंटे का टाइम तो लेती ही लेती है, पानी 24 घंटे बाद वैसे हटा देंगे, पर ये हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है ऐसे हटाने की, 2-4 दिन बाद हटा देंगे। भाइयों अपना शीशा डल गया है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।